वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सूर्यपाल सिंह। जैसा कि आप तो जानते हैं, ट्रांसफार्मर सीरीज का एक लेक्चर का वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें एक लेक्चर हो चुका है जो कि ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन के नाम से था। उसमें हम लोगों ने डिटेल में देखा था कि ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में कौन से मटेरियल यूज होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, ये सब कुछ डिटेल में हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग का पूरा फोकस ट्रांसफार्मर की वर्किंग पे होगा। ट्रांसफार्मर की वर्किंग किस तरह से होती है, क्या प्रिंसिपल है काम करने का, इस पे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स, बीटेक स्टूडेंट्स या वो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सिलिकॉन स्टील से, CRGO, सिलिकॉन स्टील। अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो मेरा देखा होगा ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें मैंने CRGO को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं पता CRGO क्या है, तो प्लीज पहले उस पार्ट को देख लीजिए। तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील है। इसकी पूरी पूरी प्रॉपर्टी को मैंने उस वीडियो में बताया। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको CRGO सिलिकॉन स्टील की प्रॉपर्टीज पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो CRGO सिलिकॉन स्टील का जो मटेरियल है, उसी का यूज क्यों किया जाता है? तो नीचे देखिए, एवरी सिलिकॉन स्टील मॉलिक्यूल इज लाइक अ टाइनी मैग्नेट। हर सिलिकॉन स्टील का जो मॉलिक्यूल है, वो एक छोटे मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, जो कि मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है। ठीक है, डाइपोल मतलब दो पोल, नॉर्थ साउथ। तो हर मॉलिक्यूल एक टाइनी मैग्नेट है, अपने आप में एक मैग्नेट है। पर प्रॉब्लम क्या है, सभी जो डाइपोल है वो एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं। जैसे यहां पर ये एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है, जिसमें जितने भी येलो कलर से दिखाया गया उनकी सबकी डायरेक्शन सेम है, पर जो रेड वाले हैं उनकी डायरेक्शन येलो वाले डायरेक्शन से अलग है, पर वो भी आपस में सेम है। तो कुछ भाग हैं जिनके मैग्नेटिक डाइपोल एक डायरेक्शन में, कुछ अलग हैं जिनका डायरेक्शन कुछ अलग है। थर्ड, जैसे ग्रीन कलर में जो दिखाया जा रहा है, उनका डायरेक्शन कुछ अलग है। तो एक ग्रुप है, मैग्नेटिक डाइपोल्स के ग्रुप है, जो उस ग्रुप में है उनका डायरेक्शन एक है, कोई दूसरा ग्रुप में उनका डायरेक्शन कुछ अलग है। ठीक है, तो जो ग्रुप है उनको कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन। ठीक है, आई होप आपको समझ पाए होंगे, मैग्नेटिक डोमेन और मैग्नेटिक डाइपोल अलग चीज है। मैग्नेटिक डाइपोल एक टाइनी मैग्नेट है, एक मॉलिक्यूल है, जबकि मैग्नेटिक डोमेन कई डाइपोल्स का ग्रुप है जिनकी डायरेक्शन एक है। ऐसे कई ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप का डायरेक्शन एक है, दूसरे का डायरेक्शन अलग है। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई बाहर से एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ना लगाएं यहाँ पे, विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सभी का डायरेक्शन रैंडम रहेगा। ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, बट अगर हम लोग इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक मैग्नेट में रखा है, तो हर मैग्नेट में हम लोग को पता है कि फ्लक्स होता है इसका, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है। अगर इसकी फील्ड के बीच में हम CRGO सिलिकॉन स्टील को रखें तो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि जितने भी मैग्नेटिक डोमेन है उन सबका डायरेक्शन सेम हो गया है। ठीक है, चाहे येलो कलर से जो दिखाया गया है, या रेड कलर, या ग्रीन कलर, या ये आपका स्काई ब्लू कलर में जितने भी दिखाए गए, सबका डायरेक्शन सेम हो गया है। ठीक है, तो ये सिलिकॉन स्टील, CRGO सिलिकॉन स्टील की प्रॉपर्टी है। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इसकी कि एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब वैसे मटेरियल जो बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के तो कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते हैं, बट अगर उनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से लाए? ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग कॉयल बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में भी देखा था, कॉयल होते हैं, प्राइमरी कॉयल, सेकेंडरी कॉयल। ठीक है, अब कॉयल में क्या ऐसी खास बात होती है?
कॉइल को पहले समझ लेते हैं, या जिसको ट्रांसफार्मर वाइंडिंग भी कहते हैं उसको पहले समझ लेते हैं, उसका मैथमेटिक्स क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहां पर देखिए, अगर आप, तो एक वोल्टेज सोर्स लगा है, ठीक है, और एक क्वाइल लगा है जिसमें कुछ टर्न्स हैं। क्वाइल मतलब जैसे आप, ये है, इसके ऊपर आपने टर्न को लपेट दिया, तार को आपने लपेट दिया, इसको टर्न बोलना है। तो इस तरह से हमने कर दिया यहाँ पे। अब जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो इस क्वाइल में, ये जो क्वाइल हम लोग का है यहाँ पे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि जब करंट फ्लो हो रहा है क्वाइल से, ठीक है, तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो वोल्टेज है वो एसी है। एसी मतलब जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को और अपने डायरेक्शन को दोनों को चेंज करें, मतलब पोलैरिटी भी, जैसे अभी फिलहाल जो पोलैरिटी है वो है प्लस माइनस ऊपर नीचे है, कुछ समय के बाद नीचे प्लस ऊपर माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू भी चेंज होगी, पोलैरिटी भी चेंज होगी। जैसे यहां पर देखिए वोल्टेज की वैल्यू 0 है, इसके बाद बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम पहुंची यहाँ पर, इसके बाद वोल्टेज की वैल्यू कम होती गई, ठीक है, फिर 0 आया, फिर 0 के बाद डायरेक्शन चेंज हो गया, नीचे प्लस ऊपर माइनस। अब इस डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ती गई वोल्टेज की, मैक्सिमम पहुंची, फिर कम होती गई 0, फिर वापस से चेंज, फिर अब ये ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो एसी का मतलब है कि जो डायरेक्शन भी चेंज हो और जिसकी वैल्यू भी चेंज हो। तो सप्लाई वोल्टेज हम लोगों ने लगाया है जो कि साइनोसॉइडल है। साइनोसॉइडल का फॉर्मूला होता है VT इज इक्वल टू V साइन ओमेगा T। VT मतलब टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज, और V क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, ये जो इधर के जो वैल्यू है ये है V, मैक्सिमम वोल्टेज। जब इस वोल्टेज को हम लोग कॉइल पे लगाएंगे, तो KVL अगर आप इसमें लगाते हैं तो जितना सप्लाई वोल्टेज होता है लोड वोल्टेज इसके इक्वल होता है, KVL कहता है। तो इस आधार पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू -VT, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वाइल के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको निकाल सकते हैं। जो क्वाइल के क्रॉस वोल्टेज होता है उसको कहते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। क्वाइल जो खुद ईएमएफ इंड्यूस करता है उसको कहते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। खुद के अंदर से करंट बहने की वजह से जो ईएमएफ जनरेट हुआ वो है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। अब वो क्या है, केवीएल के अनुसार ET मतलब सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू -VT। -VT मतलब जो सप्लाई वोल्टेज है उसका अपोजिट। तो फॉर्मूला हम लोग का हो गया यहाँ पर ET इज इक्वल टू -V साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो सप्लाई वोल्टेज हम लोगों ने देख लिया, सप्लाई वोल्टेज की वजह से कॉइल पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको हम लोगों ने देख लिया। अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो, ठीक है, तो करंट का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, IT इज इक्वल टू 1/ωL और इंटीग्रेशन करते हैं ET dt, ठीक है। तो यहां से ही यह आया हम लोग का I cos ωt, ये करंट के लिए इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां पे करंट आ गया। तो अगर वोल्टेज साइनोसॉइडल साइन वेव में लगाते हैं तो करंट आएगा हम लोग का कॉस में, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इस करंट की वजह से ही फ्लक्स जनरेट हो रहा है। जो फ्लक्स है यहां हमारा, ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे करंट घटेगा या बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स भी घटेगा या बढ़ेगा। तो इसलिए जैसा वेव करंट का होगा वैसा ही वेव फ्लक्स का होगा, मतलब अगर करंट कॉस में है तो फ्लक्स भी कॉस में होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो वोल्टेज हम लोगों ने लगाया है साइनोसाइडल साइन वेव, और जो करंट या फ्लक्स जो मिल रहा है वो मिल रहा है कॉस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं करंट की वैल्यू भी बदल रही है और फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है। चलिए इसको आगे देखते हैं, अब वापस आते हैं। अच्छा, यहां पे हम लोगों ने देख लिया कि कैसे क्वाइल फ्लक्स जनरेट करता है, ठीक है। हमको जरूरत थी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स की, क्वाइल एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर सकता है, तो क्यों ना जो कोर है उसको मैग्नेटाइज करने के लिए, उसको चुंबक को बदलने के लिए या उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बदलने के लिए उससे क्वाइल लगा दिया जाए। क्वाइल में अगर करंट बहाएंगे तो करंट से फिनेटिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड से जो कोर है हमारा वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, सभी डाइपोल सीधे हो जाएंगे, ठीक है। तो यही काम किया जाता है।
CrGO सिलिकॉन स्टील का जो कोर है, ये सॉफ्ट आयरन या फेरोमैग्नेटिक का होता है विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हम लोगों ने देख लिया। विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑल द मैग्नेटिक डाइपोल्स आर इन रैंडम डायरेक्शंस, ये भी हम लोगों ने देखा, बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सभी रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपको कोर में दिख भी रहा है, सभी डाइपोल्स आगे पीछे हैं, डाइपोल्स को एरो से दिखाया गया है। ठीक है, सो कोई भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यहाँ पे। बट अगर हम इस पे क्वाइल लगाएं तो क्या होगा? जैसे ही हमने इस पे क्वाइल लगाया, आप देखिए सभी मैग्नेटिक डाइपोल सीधे हो गए हैं। अब जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल आप सबको देखिए, बिल्कुल सीधे हैं, सब एक डायरेक्शन में। तो वाइंडिंग लगाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉजिटिव साइकिल देख रहे हैं। पॉजिटिव साइकिल मतलब जब वोल्टेज का ये सिरा पॉजिटिव है और ये सिरा निगेटिव है उस समय। तो जब ये पॉजिटिव और ये सिरा निगेटिव है वोल्टेज का, उस समय जो फ्लक्स है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब ये कैसे निकालेंगे फ्लक्स का डायरेक्शन? जब भी क्वाइल हमारा है, सपोज करिए ये हमारा वायर है, ठीक है, वायर को इस तरह से लपेटा गया है, फिर इस तरह लपेटा गया, फिर इस तरह से, वायर किस तरह से टर्न है ये जरूरी है, और प्लस उसमें करंट किस डायरेक्शन में। तो करंट आप देखिए, अगर राइट हैंड को आप पकड़ते हैं और राइट हैंड में जो उंगलियां हैं उनके घूमने की दिशा, उनके मुड़ने की दिशा करंट की दिशा को बताता है, तो जो थंब है अंगूठा वो फ्लक्स की डायरेक्शन को शो करेगा। तो अगर हम इस तरह से पकड़ते हैं, ठीक है, तो जो उंगलियां हैं वो घूमने की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, और जो ऊपर थंब है वो फ्लक्स के डायरेक्शन को डोनेट कर रहा है। तो इस आधार पर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ क्रिएट होगा। ये तब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है, मतलब ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव है, उस समय जो फ्लक्स जनरेट है वो इस डायरेक्शन में है। हम लोगों ने देखा अभी कि कॉस ओमेगा टी रहता है फ्लक्स का, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस आएगा, पिछले अभी हम लोगों ने देखा। अब अगर हम लोग इसको चेंज कर दें तब क्या होगा? जैसे यहाँ पे देखिए, जो मैंने बताया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, यही चीज है यहाँ पे। तो जब आपकी करंट की डायरेक्शन ऊपर, अच्छा जैसे यहाँ पे इस वाले में देखिए आप, इसमें जो क्वायल है उसमें बहने वाली करंट के डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को मोड़ा जा रहा है, तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के निकलने की डायरेक्शन को बता रहा है, ये कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। इसका अपोजिट भी है, अगर उंगलियों के घूमने की दिशा फ्लक्स के घूमने की दिशा को बताए तो थंब करंट को बताता है। तो कंफ्यूज मत होइए, दोनों चीजें हैं। अगर थंब करंट को बताता है तो उंगलियों के घूमने की दिशा मैग्नेटिक फ्लक्स को बताएगी, अगर उंगलियों के घूमने की दिशा करंट को दर्शाती है तो थंब मैग्नेटिक फ्लक्स को दर्शाएगा। तो हम दोनों चीजें इससे निकाल सकते हैं, अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता है तो करंट निकाल सकते हैं, करंट पता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप क्लियर से देख लीजिएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है यहाँ पे। तो एक बार फ्लक्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद निगेटिव हाफ साइकिल आती है तब क्या होगा? ठीक है, ये चीज हम लोग पहले देख चुके हैं। हाँ, निगेटिव हाफ साइकिल अगर आता है तब क्या होगा? यहाँ पर देखिए, निगेटिव हाफ साइकिल में नीचे प्लस और ऊपर माइनस हो गया, करंट की डायरेक्शन बदल गई। वाइंडिंग वैसे ही है बट करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। पहले जो करंट इस तरह से मूव करता था इधर से, अब करंट ऐसे मूव कर रहा है, यूज करेंगे राइट हैंड का ही, ठीक है, अब करंट ऐसे मूव कर रहा है। तो जब ऐसे मूव कर रहा है तो थंब नीचे की तरफ होगा, तो थंब नीचे की तरफ होगा तो फ्लक्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। सभी डाइपोल्स देखिए फ्लक्स की डायरेक्शन में मूव कर गए हैं। ठीक है, इसके पहले अगर आप देखेंगे तो सभी फ्लक्स नॉर्थ और साउथ इस तरह थे, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर इस तरह से हो गया है। तो जैसे जैसे करंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन भी बदल रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज चेंज होगा, वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट चेंज होगी उसकी डायरेक्शन, और जैसे जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज होगी वैसे वैसे फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होगा। तो एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है। तो ये चीज नीचे लिखा हुआ है, दिस शोज दैट फ्लक्स इज एस्टेब्लिश इन द ट्रांसफार्मर कोर
इज इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज प्राइमरी वाइंडिंग फ्लक्स गेट रिवर्स, ठीक है, बार बार चेंज हो जा रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स जो है रिवर्स हो गया है, इसलिए डाइपोल्स भी रिवर्स हो गया है। फ्लक्स इन द कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई करंट, ये हम लोगों ने पहले ही देखा है, जैसा करंट होगा वैसा फ्लक्स होगा, करंट की डायरेक्शन बदलेगी फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया कि वाइंडिंग क्यों जरूरी है, ठीक है, बट अभी हम लोगों ने सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं लगाया है। सेकेंडरी वाइंडिंग से पहले हम लोग अब पढ़ते हैं कि फैराडे लॉ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो फैराडे ने दो लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ कहते हैं इसको। फर्स्ट लॉ क्या है, व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्वायल, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट क्वायल। मतलब अगर किसी क्वायल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है तो उस क्वायल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की बात नहीं होगी, ये कोई क्वायल जो अलग से रखा है उसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस क्वायल में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हुआ है। इस बात को क्लियर रखिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना ज्यादा है इस पर नहीं निर्भर करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है इस पर इंड्यूस होने वाला ईएमएफ या पैदा होने वाला ईएमएफ डिपेंड करता है। इस लाइन को मैं क्लियर रखिएगा, चेंज जरूरी है, कितना जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव हो रहा है, ना कि कितना ज्यादा है मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ भी इसी को और क्लियर करता है, द मैग्नेटिक द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द क्वायल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट क्वायल। ये जो मैंने कहा कि कितना जल्दी जल्दी, मतलब 1 सेकंड में 2 बार चेंज हुआ, 1 सेकंड में 10 बार चेंज हुआ, 1 सेकंड में 20 बार चेंज हुआ, कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस होने वाला ईएमएफ उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो डी फाई बाई डी टी मतलब चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, 1 सेकंड में दो वेबर फ्लक्स चेंज हुआ है, 1 सेकंड में 10 वेबर फ्लक्स चेंज हुआ है, ये बात कहा जा रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में, आई होप आपको समझ में आया होगा। एनिमेशन एक देखते हैं उसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर ये एनिमेशन है, इसमें एक बार मैग्नेट है, ठीक है, जो कि कॉइल के पास आएगा, जो कॉइल के पास आएगा तो कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस है, जो फ्लक्स कट हो रहा है वो बढ़ जाएगा, फ्लक्स कट होना बढ़ जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस बढ़ जाएगा, इस चीज को देखते हैं। जैसे यहां पे देखिए बार मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा है, जैसे जैसे कॉइल के पास आ रहा है कॉइल में जो फ्लक्स है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि येलो कलर से दिखा रहे हैं, वैसे तो फ्लक्स दिखता नहीं है बट एनिमेशन है इसलिए येलो कलर से हम लोग को दिखा रहे हैं। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ वेरी स्लो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, धीमे धीमे चेंज हो रहा है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो भी लो होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस इज वेरी लेस बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द क्वाइल इज वेरी स्लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगर थोड़ा सा हम बढ़ा दें स्पीड को तब क्या होगा, जैसे यहां देखिए पिछले एनिमेशन की तुलना में यहाँ पे स्पीड बढ़ गई है, मतलब जो फ्लक्स पास आ रहा है वो तेजी से आ रहा है, ठीक है, तुरंत फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जितना जल्दी फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस बढ़ गया है, जिसको हम लोग प्लस माइनस से दिखाए हैं, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस के साइन पर, प्लस माइनस का साइन बड़ा हो जा रहा है, ये इस बात को दिखा रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस बढ़ गया है, कॉइल में ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। और तेजी से अगर लाए तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का साइन और बढ़ गया है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज और ज्यादा हो गया, ये सिर्फ प्रदर्शित करने के लिए है, दिखाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तेजी से आ, मतलब 1 सेकंड के कम हिस्से में ही फ्लक्स कॉइल में बढ़ा फिर तुरंत कम हो गया, बढ़ा फिर कम हो गया, तो जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स बढ़ेगा कम होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो एक चीज तो ये है। दूसरा चीज ये है कि जो क्वायल है जो इसमें फेरा है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है, जो अभी हम लोगों ने देखा इस तरह से जो जो तार को इस तरह से लपेटा गया है, इसको कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम बढ़ा दें तब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम लोग बढ़ा दें जैसे पिछले वाले के कंपेरिजन में देखिए तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, पर
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की स्पीड वही है जितना तेज पिछली बार था उतना ही अभी भी है, पर इंड्यूस ईएमएफ अगर आप देखिए प्लस माइनस का साइन और बड़ा हो गया है पिछले के कंपेरिजन में। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखिए और तेजी से फ्लक्स तुरंत परिवर्तित हुआ, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है, कितनी जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इंड्यूस ईएमएफ इज वेरी हाई बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन बोथ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द कॉइल जो कि हाई है एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ टर्न्स जो कि यहाँ पर हम लोगों ने बढ़ा दिया है नंबर ऑफ टर्न्स को। तो इस इक्वेशन को याद रखिएगा कि जो इंड्यूस ईएमएफ है कॉइल में वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है उसमें टाइम के अनुसार कितना जल्दी जल्दी, और दूसरा उस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं दोनों चीजों पर। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई बाई डी टी या एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में इसका क्या रोल है इस कॉन्सेप्ट का। अच्छा इसके पहले एक और देख लेते हैं लेंज लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंज लॉ क्या कहता है कि अभी हम लोगों ने देखा कि कॉइल में इंड्यूस होता है ईएमएफ क्योंकि जब फ्लक्स कट करता है तो, बट लेंज लॉ ये कहता है कि ठीक है आपके कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया बट वो ईएमएफ अपने जनरेट होने का अपने इंड्यूस होने का अपने पैदा होने के कारण का रीजन का अपोज करता है। ठीक है तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। When an EMF is induced due to Faraday law, if the circuit is closed, an induced current will start to flow. The direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it. ठीक है EMF induced हो गया, अगर यह circuit closed है, यह coil closed है, तो इसमें current flow होगा और current flow होने का direction अब कुछ भी हो सकता है, ऐसे flow हो सकता है, ऐसे flow हो सकता है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो लेंज लॉ ये बताता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा ये बताता है फैराडे लॉ, बट जो करंट फ्लो होने का डायरेक्शन है या ईएमएफ इंड्यूस होने का जो डायरेक्शन है कौन सा सिरा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा ये बताता है लेंज लॉ। ठीक है तो लेंज लॉ क्या कहता है कि जो भी करंट फ्लो होगा जो भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि अपने जो पैदा हुआ है जिस कारण से उस कारण का अपोज करेगा। अब कारण क्या था रीजन क्या था, रीजन ये था कि फ्लक्स चेंज हो रहा था बार बार। ठीक है अब वो मैग्नेट को तो नहीं रोक सकता है बट जो फ्लक्स आ रहा था उसके पास उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपना एक फ्लक्स जनरेट करेगा। ठीक है एनिमेशन से पहले एक बार देखते हैं हम लोग। ठीक है अब यहां पर देखिए फ्लक्स आ रहा है। ठीक है यहां पर जो मैग्नेट है जैसे हम लोग पिछले एनिमेशन में देखा कि मैग्नेट से मैग्नेट आ रहा था तो फ्लक्स कॉइल के पास आ रहा था, ये हम लोग का कॉइल है, ये हम लोग का कॉइल है। ठीक है सर्कुलर टाइप का एक टर्न का है सिर्फ एक ही टर्न है इसमें आसानी के लिए, तो ये हम लोग का फ्लक्स है जिसको हम लोग कह रहे हैं फाई वन, ये फ्लक्स किसका है इस मैग्नेट का है। ठीक है जो हम लोग मानते हैं तेजी से चेंज हो रहा है, इस चेंज होने की वजह से इस कॉइल में जो कॉइल है हमारा इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ क्योंकि जो हम लोग का कॉइल है ये क्लोज है इसलिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर करंट फ्लो होगा इसमें तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और करंट फ्लो होने का डायरेक्शन आप ध्यान से देखिए, तो जैसे मैंने बताया जो मैक्सवेल थंब रूल वही चीज है, अगर करंट मूव करने की डायरेक्शन आपकी उंगलियों की दिशा को बताता है तो थंब फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएगा, तो करंट इस तरह से फ्लो होगा कि फ्लक्स ऐसे होगा, ऐसे नहीं, अगर इस तरह से करंट फ्लो होता तो फ्लक्स जो फाई टू है वो मेन फ्लक्स को सपोर्ट करता, लेकिन यहाँ पे लेंज लॉ फेल हो जाता है। लेंज लॉ ये कहता है कि करंट मूव करने का डायरेक्शन ये होगा कि जो उससे पैदा होने वाला जो फ्लक्स है कॉइल से पैदा होने वाला वो जिस कारण से पैदा हुआ है जो फ्लक्स उसको पैदा किए उसी फ्लक्स का अपोज करेगा, मतलब कह सकते हैं कि बेटा बाप का पोस्ट करेगा। ठीक है एक सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं, तो फाई टू जो फ्लक्स है ये फाई वन का पोस्ट करेगा, तो फाई टू अपोज फाई वन ड्यू टू लेंज लॉ। बट मैथमेटिक्स में हम लोग इस अपोज को कैसे दिखाएं, तो जब भी मैथमेटिक्स में हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन दिखाना होता है तो हम लोग माइनस साइन का यूज करते हैं। ठीक है तो इस पर ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी
माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला हमारा। ये फॉर्मूला क्या बताता है कि इंड्यूस ये होने वाला ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है, बट जो वैल्यू है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। माइनस साइन ये बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो फ्लक्स इसको पैदा किया है, इसको जनरेट किया है, वो उसी का अपोज करेगा, क्योंकि इस कॉइल में भी करंट फ्लो हो रहा है, और करंट जो फ्लो हो रहा है उसके कारण जो फ्लक्स पैदा हुआ फाई टू, वो फाई टू अपने ही पैदा होने के कारण का अपोज करेगा, फाई वन का अपोज करेगा। तो ये जो दो लॉ है, फैराडे लॉ और लेंज लॉ, इनका यूज कैसे करते हैं ट्रांसफार्मर में, या इनका क्या रोल है, इसको देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग देखा था, अब यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंडरी वाइंडिंग भी लगा दिया। यहाँ पे आप कई चीजें देख सकते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में तो हम लोगों ने देख लिया कि प्राइमरी वाइंडिंग है ये, सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि एसी वोल्टेज हम लोगों ने लगाया है इसलिए डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जो एसी वोल्टेज हम लोगों ने लगाया है इसलिए डायरेक्शन बार बार, फ्लक्स का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स मूव कर रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसका टर्मिनल हम लोगों ने ओपन रखा है, लोड नहीं लगाया है, लोड को आगे देखा जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न है वो एन टू। अब चूंकि ये सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है इसलिए करंट तो फ्लो होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे करंट जीरो होगा, करंट नहीं फ्लो होगा, करंट तब फ्लो होगा जब क्लोज सर्किट होता है, बट ईएमएफ तो इंड्यूस होगा। फैराडे लॉ कहता है ईएमएफ इंड्यूस होगा, तब इंड्यूस होगा जब किसी क्वाइल में कोई फ्लक्स चेंज हो। तो यहाँ पे हो रहा है, क्वाइल रुकी हमारी, क्वाइल स्टेशनरी है और जो फ्लक्स है उसमें बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फैराडे लॉ यूज होता है। तो फैराडे लॉ E1 को जनरेट करने में नहीं यूज हुआ, फैराडे लॉ E2 को जनरेट करने में यूज हुआ, जो E2 है उसको। तो E2 कैसे इंड्यूस हुआ है, जो म्यूचुअल फ्लक्स है, म्यूचुअल फ्लक्स मतलब प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो जब सेकेंडरी वाइंडिंग को कट किया तब ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसलिए इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज ड्यू टू वेरिंग कोर फ्लक्स विच इज प्रोड्यूस बाय प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्शन से पैदा हुआ जो ईएमएफ वो कितना होगा, यही एन टू डी फाइव बाई डी टी, जहाँ फाइव क्या है, फाइव टी क्या है, कोर का फ्लक्स है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा पैदा हुआ है, और एन टू क्या, नंबर ऑफ टर्न है किसका, सेकेंडरी वाइंडिंग का, जिसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज था वो एसी है। ठीक है, एसी वोल्टेज में जो टाइम पीरियड होता है, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे या बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगने वाला समय। ठीक है, तो टाइम पीरियड ये हो गया, टाइम पीरियड कितना होता है, वन बाई फ्रीक्वेंसी, वन बाई एफ। तो प्राइम जो सप्लाई है हमारा, प्राइमरी वाइंडिंग का जो सप्लाई है वो है हम लोग का वी वन, या इसको ये कही कि प्राइमरी वोल्टेज वी है और फ्रीक्वेंसी एफ है, और फ्लक्स जो है वो वी बाई एफ होता है। फ्लक्स जो हमारा यहाँ पे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी बाई एफ के, मतलब सप्लाई वोल्टेज अपॉन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, नॉर्मली फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इंडिया में 50 हर्ट्ज है, ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट में भी 50 हर्ट्स है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, तो अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया या हमको नहीं कहा गया तो फ्रीक्वेंसी हम लोग कॉन्स्टेंट मानेंगे 50 हर्ट्स। ठीक है, और अगर हम लोगों ने कॉन्स्टेंट सप्लाई वोल्टेज भी लगा रखा है, मतलब वोल्टेज भी अगर कॉन्स्टेंट कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी भी अगर कॉन्स्टेंट कर देते हैं, तो फ्लक्स जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा हर कीमत पे। ठीक है, तो नेट फ्लक्स जो होगा कोर में वो कांस्टेंट रहेगा, नेट फ्लक्स की बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया वो है फाई वन। ठीक, ये फाई वन कट किया सेकेंडरी वाइंडिंग को, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट हुआ ई टू। तो ये चीज यहाँ लिखा है, फ्लक्स प्रोड्यूस ड्यू टू प्राइमरी वाइंडिंग इज कॉन्स्टेंट टिल द सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट, जब तक सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है
जो कोर में फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, लोड पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। लोड लगाए चाहे ना लगाए डिपेंड किस पे करता है, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई फ्रिक्वेंसी पे। चलिए अब अगर लोड लगा दें, तब लोगों ने लोड नहीं लगाया था, अगर लोड लगा दिया जाए तब क्या होगा? तो यहां पर हम लोगों ने लोड लगा दिया है, फिर से देखते हैं, सप्लाई से शुरू करते हैं, सप्लाई वोल्टेज वी है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी एफ है, अगर ये दोनों कांस्टेंट रहता है तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, ये चीज लिखा है, नेट फ्लक्स इज कांस्टेंट फाई, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा है आई वन, और ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया प्राइमरी वाइंडिंग का ई वन। प्राइमरी वाइंडिंग जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया उसको रेड से दिखाया जा रहा है, इसको हम कह रहे हैं फाई वन। ये राइट हैंड थंब रूल से हम लोग कह सकते हैं कि करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो थंब ऊपर की तरफ है प्राइमरी में, प्राइमरी वाइंडिंग में, तो फ्लक्स ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में आइए, सेकेंडरी वाइंडिंग भी क्लोज है। अब जब सेकेंडरी वाइंडिंग क्लोज है तो इसमें भी करंट फ्लो करेगा, ईएमएफ जनरेट हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है E2, और लोड लगा रखते हैं तो लोड में करंट फ्लो करेगा। बट लेंज लॉ ये कहता है कि जो करंट फ्लो करने का डायरेक्शन है वो ये होगा कि जिस कारण से पैदा हुआ है E2 अपने पैदा होने के कारण का अपोज करेगा। तो पैदा क्यों हुआ है? फाई वन की वजह से। फाई वन का फ्लक्स जिस डायरेक्शन में होगा, फाई टू का फ्लक्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो करंट किस तरफ फ्लो करेगी? इस तरह से। सेकेंडरी वाइंडिंग की बात की जा रही है, उसको सेकेंडरी वाइंडिंग पर लगाइए। सेकेंडरी वाइंडिंग पर अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि कोर के पीछे से, ये अगर ये कोर है तो इसके पीछे से देखिए करंट आ रहा है और इधर से जा रहा है। तो जो येलो कलर का जो फ्लक्स है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग का फाई टू, उसका फ्लक्स ऊपर की तरफ है। क्यों? क्योंकि लेंज लॉ ऐसा कहता है कि अपने पैदा होने के कारण का अपोज करेगा। पैदा कर रहा है रेड वाला फ्लक्स मतलब फाई वन, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन है फाई टू। ठीक है, इस चीज को क्लियर रखिएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में है, आप कहेंगे कि ये जब इधर है ये अपोजिट है तो जीरो हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जो फ्लक्स जनरेट कर रहा है ई टू को, वो ई टू फाई टू को जनरेट कर रहा है, फाई टू को इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो फाई टू की वैल्यू कभी भी फाई वन से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, फाइव वन प्रोड्यूस कर रहा है फाइव टू को, तो फाइव टू की वैल्यू कभी भी फाइव वन से ज्यादा नहीं होगी, हमेशा कम होगी। तो जो नेट फ्लक्स होगा, जो यहाँ पे बात किया मैंने, नेट फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, तो नेट फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा? फाइव वन माइनस फाइव टू। ठीक है, फाइव वन ऐसे फाइव टू ऐसे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे तो फ्लक्स तो कम हो गया, अब क्या होगा? तो पहले इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं, इस चीज को। व्हेन द लोड इज कनेक्टेड अ करंट विल फ्लो इन द सेकेंडरी वाइंडिंग विच प्रोड्यूस अ सेकेंडरी वाइंडिंग फ्लक्स फाई टू। दिस फाई टू इज प्रोड्यूस इन सच अ डायरेक्शन दैट इट विल अपोज द मेन प्राइमरी वाइंडिंग फ्लक्स फाई वन ड्यू टू लेंज लॉ, ये जो मैंने बताया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी फिर फाई टू की वैल्यू तो बढ़ जाएगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज कर जाती है, लोड तो हमारे हाथ में नहीं, लोड तो बढ़ सकता है घट सकता है, तो लोड करंट अगर बढ़ गया तो फाई टू की वैल्यू तो बढ़ जाएगी। तो फाई टू की वैल्यू अगर बढ़ गई तो मेन फ्लक्स तो कम हो जाएगा। ठीक है, भाई सपोज करिए अगर मेन फ्लक्स 100 वेबर है और पहले जो फाई टू की वैल्यू थी वो 20 था, अब अगर आई टू करंट बढ़ गया तो आई टू करंट बढ़ गया तो फाई टू भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो करंट है वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बढ़ के सपोज करिए 40 हो गया, तो नेट फ्लक्स जो यहाँ पे पहले 80 था अब यहाँ पे 60 हो गया, और एक बार आप यहाँ कह रहे हैं कि नेट फ्लक्स कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसका क्या है सोल्यूशन है, क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में करंट बढ़ता है तो क्या होता है? देखिए, नेट फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा जब तक सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फिर क्या होगा? अगर लोड बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ेगा। ठीक, करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे लिखते हैं वन, मतलब अगर फाई टू बढ़ा, तो सॉरी आई टू बढ़ा तो फाई टू भी बढ़ेगा। बट नेट फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए फाई वन को भी बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फाइव वन भी इंक्रीज होगा, मतलब पहले अगर 100 था फाइव वन,
और फाई टू 20 था, लोड करंट बढ़ने से अगर फाई टू की वैल्यू बढ़ के 40 हो गई, तो पहले अगर डिफरेंस ये कोर फ्लक्स हमारा 80 था, यहाँ पे फाई की वैल्यू 80 है, तो बाद में भी 80 ही रहेगा, और 80 रहने के लिए जो प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स है वो इंक्रीज कर जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब प्राइमरी वाइंडिंग यानी फाई वन का फ्लक्स, फाई वन जो है वो इंक्रीज कर गया, तो इंक्रीज कब करेगा, जब उसको पैदा करने वाली करंट बढ़ जाए, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग की करंट भी बढ़ जाए। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, लोड करंट जब बढ़ेगा तो लोड करंट यानी आई टू बढ़ने पर, जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो करंट है उसको आई टू को बढ़ने पर सेकेंडरी वाइंडिंग द्वारा पैदा किया गया फ्लक्स भी बढ़ जाता है। ठीक है, बट नेट फ्लक्स कांस्टेंट रहे इसलिए जो प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स है वो भी बढ़ता है। उसको बढ़ने के लिए जरूरी है कि प्राइमरी वाइंडिंग का करंट भी इंक्रीज कर जाए। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर की खूबसूरती है कि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड लगाए हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई लगाए हैं, और दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। ठीक है, कोई भी तार डायरेक्टली प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में नहीं गया है, पर फिर भी आप लोड को बढ़ाते हैं, लोड करंट को बढ़ाते हैं, तो अपने आप प्राइमरी वाइंडिंग का करंट इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, क्यों, नेट फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर की खूबसूरती है कि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट बढ़ाती है, प्राइमरी वाइंडिंग का करंट इंक्रीज कर जा रहा है, टू मेंटेन द नेट फ्लक्स इन द कोर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग समराइज करते हैं, या ट्रांसफार्मर का जो डिफिनीशन जिसको बोला जाता है सो कॉल्ड डिफिनीशन, उसको एक बार देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के डिफिनीशन क्या है। तो ट्रांसफार्मर, अगर कोई पूछता है ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ट्रांसफार्मर में कोई भी पार्ट मैकेनिकली मूव नहीं करता है। ठीक है, डाइपोल मूव करते हैं, डाइपोल मैकेनिकली नहीं, मॉलिक्यूल लेवल पे चेंज होते हैं, तो मैकेनिकली कोई पार्ट मूव नहीं करता, तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। तो सबसे पहले यहां देखिए, सो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। ठीक है, मतलब कोई भी पार्ट मूव नहीं करता, मूव नहीं करता तो इसमें कोई फ्रिक्शन लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये अभी हम लोगों ने लिखा, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड लेंज लॉ, दोनों पे काम करता है। ठीक है, बाय विच पावर कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। ठीक है, बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में ये खास बात है कि बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और लेंज लॉ के सिद्धांत पर प्राइमरी वाइंडिंग का पावर सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर होता है, पहली बात। दूसरी बात, पावर कांस्टेंट रहता है, पावर चेंज नहीं होता है। ठीक है, मतलब जितना पावर आप इनपुट में देंगे आउटपुट में भी उतना ही पावर मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, इन द केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर कुछ ना कुछ हीट लॉस तो होता ही है, हीट लॉस को अगर निगलेक्ट कर दें, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, तो जितना पावर लेंगे उतना पावर आउटपुट में जाएगा, पावर चेंज नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अब यहां पर देखिए एक एनिमेशन, यहां पर अगर आप देख सकते हैं कि इनपुट का जो सप्लाई वोल्टेज है V1 टी मतलब टाइम पर डिपेंडेंट है, वो जिस स्पीड से चेंज हो रहा है उसी स्पीड से सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज V2 जो लोड के क्रॉस लगा है, वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज का लेवल चेंज हो सकता है, करंट का वैल्यू चेंज हो सकती है, बट पावर कांस्टेंट रहेगा और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, ये दो चीज है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर में पावर एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग की तरफ कैसे ट्रांसफर होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड बढ़ाने पर प्राइमरी वाइंडिंग का करंट कैसे अपने आप इंक्रीज कर जाता है, या लोड घटाने पर प्राइमरी वाइंडिंग का करंट कैसे कम हो जाता है, ये आप लोग को समझ में आया होगा। ये भी समझ में आएगा कि कोर का क्या रोल है, क्यों कोर इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों वाइंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर के आगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग ट्रांसफार्मर के और भी कई प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ तक था, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बिल्कुल पूछिए। थैंक यू।